हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ एकेडमी। लक्ष्य लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी लंबे समय से मैं कोई भी वीडियोस क्लासेस वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसका रीज़न है कि मेरा भी बेबी हुआ है और इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, बेबी मेरा 8 मंथ का हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से कुछ स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं MPADPO के नए सिलेबस के बारे में। अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि MPADPO का फिर से जो है रिवाइज्ड सिलेबस ला दिया गया है और MPADPO के एग्जाम की जो डेट है वो 18th of December 2022 बताई गई है। अभी इस डेट में कोई चेंज नहीं हुआ है आज तक की तारीख में। अभी नवंबर का मंथ बचा हुआ है, लास्ट नवंबर तक अगर कोई चेंजेस होते हैं डेट में तो हमें पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा साइट पर MPPSC की। और यदि लास्ट नवंबर तक कोई चेंज नहीं होता है तो फिर 18th दिसंबर को ही आपका ADPO का एग्ज़ाम होगा। MPADPO की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस, तो सिलेबस में आपको पता होगा जो ओल्ड हमारा सिलेबस था उसमें 28 सब्जेक्ट्स जो थे आपको बताए गए थे। मैंने अभी ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस कंपैरिजन किया, उसके हिसाब से मैंने देखा कि नए सिलेबस में जो है आपके 10 न्यू सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं और ओल्ड सिलेबस में से 6 जो है एक्ट जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पहले जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें 28 एक्ट हमें पढ़ना थे, लेकिन अब जो 6 एक्ट हटा दिए गए हैं और 10 नए जोड़ दिए गए हैं, तो आपको टोटल जो है 32 एक्ट्स पढ़ना है। तो MPADPO का जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट्स में बांटा गया था, MPGK और आपका लॉ सब्जेक्ट्स। तो वो तो जो का त्यों है वैसा ही आपका जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट ए जिसमें MPGK है, तो MPGK का जो ओल्ड सिलेबस में था पूरा सेम टू सेम वही न्यू सिलेबस में दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आपको MP का पूरा GK पढ़ना है, आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिक्स एंड ऑल जो भी आपको दिया गया था सेम सिलेबस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉ की। तो लॉ में जो है 6 एक्ट पुराने सिलेबस से हटा दी गई थी। वो कौन कौन से हटा दी गए थे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ जल्दी से। ह्यूमन राइट एक्ट हटा दिया गया है आपका, इमोरल ट्रैफिक एक्ट हटा दिया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट हटा दिया गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट हटा दिया गया है, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा साधारण तथा विच्छिन्न अधिनियम जो है वो भी हटा दिया गया है, और आपका ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है ये हटा दिया गया है। ये जो है आपके एक्ट्स ये हटा दिए गए हैं और बाकी के जो ओल्ड सिलेबस में थे एक्ट्स वो सारे हैं, ठीक है। तो आपने मेरे सुन लिया होगा वीडियो को पॉज कर करके, अगर आपके पास नया सिलेबस नहीं है तो पुराने सिलेबस में से इन सब्जेक्ट्स को आप जो है सुन सुन के कट कर दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो नए सब्जेक्ट्स जो ऐड कर दिए गए हैं मैं आपको एक बार वो बता दे रही हूँ। नए में इन्होंने ऐड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पहले जो है सिर्फ IPC, CRPC और एविडेंस था, लेकिन अब इन्होंने एक और मेजर एक्ट इसमें ऐड कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर दिया है। उसके अलावा माइनर एक्ट्स में बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 जो है ये इन्होंने ऐड कर दिया है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो है ये एक नया एक्ट जो है इन्होंने ऐड कर दिया है। हमारे सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स जो है उनको मेंटेनेंस से संबंधित जो एक्ट है ये ऐड कर दिया गया है। उसके बाद तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ये ऐड कर दिया गया है। ये जो एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये जो पहले पेपर हुआ था 2015 में तब ये एक्ट ADPO में था, बट इस बार सिलेबस में हटा दिया था लेकिन इन्होंने फिर से ऐड कर दिया, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। उसके बाद द एक्सप्लॉइजिव एक्ट 1884 इसको ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 ऐड कर दिया गया है। फिर एक ये नया एक्ट है 2019 का, ये ऐड कर दिया गया है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, ठीक है। हिंदी में आप देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में जो है सिलेबस सेंड भी कर दूंगी आपको, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, इसका हिंदी वर्जन जो भी हिंदी नाम है वो मैं आपको ग्रुप्स में पूरा सिलेबस नया वाला जो है ऐड कर दूंगी। ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स। उसके बाद एक और एक्ट है द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये भी पुराना जो पेपर हुआ था 2015 में ADPO का तब ये एक्ट ऐड था उसमें, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, तो ये फिर से जो है ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा MP गोवंश बद्ध प्रतिषेध अधिनियम 2004,
ठीक है, एमपी गोवंश बद्ध प्रतिषेध अधिनियम 2004, इसको भी जो है ऐड कर दिया गया है आपके नए सिलेबस में। इसके अलावा जो एमपी से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं वो आपके जो पुराने एक्ट में थे वो हैं, जैसे एमपी एक्साइज एक्ट, एमपी स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, एमपी लोक सेवाओं के प्रधान की गारंटी एक्ट, ये जो के त्यों एमपी वाले एक्ट जो है इसमें है। तो 2019 का ये जो है एक नया एक्ट जोड़ा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये आपके जो है बस इतने ही, 2019 का और कोई एक्ट नहीं है आई थिंक, यस 2019 का और कोई एक्ट नहीं है। तो ये आपके 10 नए सब्जेक्ट जो है लॉ में जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको टोटल 32 सब्जेक्ट्स अब पढ़ने हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ अभी आने में, तो जितना हो सकेगा इन दिनों में मैं कोशिश करूंगी अब एक्ट्स पे आने की, और सेक्शन वाइज सेक्शन में शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज बनाऊंगी क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास तो अब मैं ले नहीं पाऊंगी अभी कुछ टाइम तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक्ट के साथ, उसकी सेक्शंस के साथ। जब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक कीजिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि मैम वापस आ गई हैं और अब हम कंटिन्यू जो है वीडियोस अपलोड करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।